हम इंटीग्रेशन सीख चुके हैं, उसको अप्लाई करने वाले हैं कि किस तरह इसको यूज करना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ के हम समझेंगे कि एप्लीकेशन यूज कैसे होगा या इंटीग्रेशन यूज कैसे करना है एप्लीकेशन के थ्रू। तो यहाँ बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व हमें ये दे रखा है भाई, जिन बच्चों को नहीं मालूम ये बता दूं, कभी भी दो इक्वेशन हो, एक्स और वाई की वैल्यू हो, दोनों में से किसी एक के ऊपर स्क्वेयर हो, या तो वाई पे स्क्वेयर हो या फिर एक्स पे स्क्वेयर हो, तो वो शेप जो बनती है वो पैराबोला बनती है। ऐसी शेप को पैराबोला कहा जाता है। तो ये जो डायग्राम है ये किसका, पैराबोला का है, और वाई स्क्वेयर हमेशा बनता है एक्स एक्सिस पे। तो इस अगर इस पैराबोला का मैं डायग्राम बनाता हूँ तो ये पैराबोला कुछ इस शेप में बन जाएगा, और यहाँ से ये मैंने इस तरह से इसको आगे डिनोट कर दिया, ये जो बन गया ये बन गया वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स, ये हो गया पैराबोला। लेकिन बाई चांस ये क्वेश्चन ऐसे होता है वाई इक्वल ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो इसको हम पैराबोला को इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, तो हमें दो बातें समझ में आ गई कि पैराबोला किस तरीके से होता है, या तो एक्स एक्सिस पे होता है या वाई एक्सिस पे होता है। अब इसके अंदर मुझे एक्स इक्वल टू वन दे रखा है और एक्स इक्वल टू फोर दे रखा है। तो यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4, तो 1 हमारा ये वाला पार्ट हो गया और 4 हमारा ये वाला पार्ट हो गया, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें ये पूरा एरिया निकालना है जिसको मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ। यहाँ पे ये पूरा एरिया जो हमें निकालना है भाई, कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, 1 से लेके 4 तक का निकालना है ये वाला पार्ट। इसको नाम देना चाहो तो दे सकते हो एल एम एन, और ये वाला कौन सा हो गया ओ, एल एम एन ओ, ये पार्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए डायरेक्ट लिख देंगे हम एरिया ऑफ कौन सा पार्ट है ये वाला, रीजन बाउंडेड। अगर ये वाला पार्ट निकालना है तो सिंपल सा है, इंटीग्रेशन 1 से लेके 4, भाई 1 से लेके 4 तक का ही तो पार्ट निकालना है, पूरे इसका तो आंसर निकालना नहीं है, तो 1 से लेके 4। और हाँ, यहाँ जो लिमिट है भाई, ये जो लिमिट है ये एक्स एक्सिस के लिए, तो इसीलिए यहाँ जो लगाना पड़ेगा वो मेरे को dx लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे लिख दिया मैंने पैराबोला, पैराबोला। अब पैराबोला से देखो, जब dx है तो यहाँ से y की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो जो y की वैल्यू निकल के आएगी y स्क्वायर रूट के अंडर रूट बन जाएगा, तो y इक्वल टू अंडर रूट x। तो अगले स्टेप में हम इसको कर देंगे 1 से लेके 4, और यहाँ अंडर रूट x और dx। अब जो क्वेश्चन है सब कुछ x में कन्वर्ट हो चुका है, लिमिट x की है, फंक्शन x का है, और यहाँ पे क्या है dx लिखा है मैंने। अब इसको आगे चेंज कैसे करेंगे, रूट को हटा के हाफ लगा लिया जाता है, तो हाफ लगाने का मतलब यहाँ पे x की पावर हाफ आ गई और यहाँ पे आ गया dx, रूट हटा के मैंने हाफ लगा लिया। अब इंटीग्रेशन करेंगे भाई, इंटीग्रेशन का जो रूल है वो यही कि पावर में एक जोड़ दो, मतलब हाफ है ना ये पावर, तो इसमें एक जोड़ेंगे, और हाफ में एक जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाता है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा x की पावर 3/2, और यही वैल्यू अपॉन में भी आ जाएगी 3/2, और जो बाहर थी लिमिट, लिमिट क्या थी 1 से लेके 4, यहाँ हमने ऐसा कुछ लगा दिया। अब ये जो 3/2 इसको यहाँ ला के पलट दो, 3/2 कर दो, यहाँ पे x की वैल्यू 3/2 आ गई और यहाँ पे आ गया 4/1। यहाँ तक समझ में आ गया होगा भाई। अब इसके बाद लिमिट रखनी है, देखो लिमिट रखने के लिए पहले x की जगह ये वाले रखेंगे और फिर ये वाले रखेंगे और बीच में दोनों को माइनस करेंगे, तो 2/3। अब x की जगह यहाँ लिख दिया मैंने 4/3 - 2, x की जगह 4 रखा, और यहाँ दोबारा x की जगह 1/3 और 2, भाई यहाँ मैंने x की जगह एक बार 4 रखा, x की जगह एक बार 1 रख दिया। अब देखो 2/3 ऐसी रहेगा, 4 को हम लोग 2/2 और बाहर क्या था 3/2 लिख सकते हैं, भाई 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है आंसर, तो इसको 1 छोड़ दिया। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, सॉरी ये वाला 2 नहीं कटेगा, यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2/3 बची, तो 2/3 का मतलब 2/3, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8 - 1। अब 8 में से 1 गया तो यहाँ आ जाएगा 7, 2/3 × 7, और 7 कितना आ जाएगा 14/3 स्क्वायर यूनिट। तो जो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आया वो आया है 14/3 स्क्वायर यूनिट। बेटा जो इसका दूसरा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था सेम भाई ये y² = 9x, भाई यहाँ एक के ऊपर स्क्वायर है, y के ऊपर स्क्वायर है, x के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो ये डायग्राम ये इक्वेशन पढ़ते ही पता चल गया हमें ये पैराबोला है। तो y² हमेशा x से बनता है, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे इस तरह से बना सकता हूँ और यहाँ पे लिख सकता हूँ y² = 9x, यहाँ पे किसका डायग्राम बन गया ये वाला, पैराबोला का बन गया। आगे पढ़ते हैं x = 2 x = 4, तो इसको 1 2 3 4, यहाँ मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो 2 ये वाला है 4 ये वाला है, तो यहाँ से लेके यहाँ वाला एरिया निकालना है, 2 से लेके 4 वाला ये वाला पार्ट हमें निकालना है, ये शेडिंग एरिया हो गया। और ये भी कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम वैसे ही फर्स्ट का ही निकालते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला पार्ट कह रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, बाई चांस अगर वो टोटल एरिया बोलता तो टोटल एरिया नीचे का ये वाला पार्ट भी इंक्लूड हो जाता और जो भी फर्स्ट का होता उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देता, लेकिन इसने ऐसा पूछा नहीं है तो इसलिए मैं भी बताऊंगा नहीं, मैं सिर्फ यहीं तक का एरिया बताऊंगा 2 से लेके 4 तक का। ठीक है, इसको नाम देना हो तो दे सकते हो,
और यहां मैंने लिख दिया डायरेक्ट इसका जो आंसर है, यहां लिख दिया मैंने एरिया एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड, इसका मतलब है इनके बीच में घिरा हुआ पार्ट, इंट्रीगेशन लिमिट कहां से कहां तक की, टू से लेके फोर, तो यहां टू से लेके फोर और साथ में क्या लगा दिया dx। अब जब यहां dx है तो यहां भी x में होना चाहिए, तो यहां से मैं y की वैल्यू निकाल लूंगा, देखो अंडर रूट 9x यही तो बन जाएगा ये हमारा, तो 9 का रूट 3 निकल के आ जाएगा, तो x का अंडर रूट यहां पे आ जाएगा, मतलब ये वाला स्क्वायर हमने यहां शिफ्ट कर दिया, तो जो y की वैल्यू है वो क्या आ गई है अंडर रूट, रूट हटा के 3 अंडर रूट x आ गई है, तो यहां से वैल्यू रख देंगे वो 3 अंडर रूट x हमने यहां पे वैल्यू पुट कर दी। अब 3 बाहर आ जाएगा, यहां बच गया 2 और 4, अब यहां देखो हाफ वो रूट हटा के हाफ लगा लिया जाता है, तो यहां पे आ गया dx। अब अगले स्टेप में 3 की जगह 3, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मालूम है 1 बाई 2 में 1 जोड़ो तो 3 बाई 2 आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 1 बाई 2 में 1 जोड़ेंगे 3 बाई 2 और यहां भी आ जाएगा 3 बाई 2, यहां पे लिमिट क्या देखिए 2 से 4, तो यहां पे इतना तो खत्म हो गया। अब यह के वैल्यू पलट जाएगी, ये पलटने का मतलब 2 अपॉन में 3 और यहां पे आ जाएगा x और यहां आ जाएगा 3 अपॉन में 2 और यहां आ जाएगा 4 माइनस 2, यहां 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा जो बचा है वो ये बचा है 2 बाहर आ गया और यहाँ पे क्या बच गया भाई x और यहाँ पावर क्या देखिए 4 और 2 और यहाँ जो है वो 3 और 2 है, तो x की जगह भाई x की जगह एक बार तो 4 रखेंगे, यहाँ से लिमिट हट गई, दोबारा इसी वैल्यू को रख देंगे, दोबारा रखेंगे तो 2 की पावर 3 अपॉन में 2, कहने का मतलब है इस x की जगह एक बार 4 रखना है जो लिमिट है और इसी x की जगह एक बार 2 रखना है। अब यहाँ देखो 2 का तो 2 आ गया, अब इस 4 को हम लोग 4 को इस तरह लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 यहाँ 2 और यहाँ 2 की पावर 2 और यहाँ आ गया 3 अपॉन में 2, अब ये रूट ये 2 है इसको रूट में लिख लो, तो अंडर रूट 2 की पावर 2 और यहाँ आ गया 3 अपॉन में 2, अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास 2 बच गया और 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस यहाँ भी कट गया, अब देखो अंडर रूट 2 की पावर 3 बन गई यहाँ पे, 3 का मतलब 3 बार लिखोगे, एक बार दो बार तीन बार, तो यहाँ जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना ये अंदर आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 दुनी 16 और 2 दुनी कितना आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर हो जाएगा।